हरियाणा के यमुनानगर से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें तीन दिन पहले बूढ़िया थाना क्षेत्र के गांव दड़वा के पास फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी विनीत के साथ बदमाशों ने लूटपाट की और उसे चाकू दिखाकर मोबाइल और नकदी लूट ली। बाद में उसे जबरन नहर में धक्का देकर आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले में गहनता से जांच जारी है। वहीं डीएसपी कंवलजीत सिंह ने बताया कि चिट्टा मंदिर रोड शांति कॉलोनी निवासी शुभम और सलाम को लूटपाट के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपियों के मुताबिक वारदात में एक और साथी किरण भी शामिल था, जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिलहाल उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। ये 25 तारीख रात को एक वारदात हुई थी, जो कि विनीत नाम का लड़का था, फतेहपुर गांव का रहने वाला था। ये रात को अपना काम ख़त्म करके अपना वापस गांव जा रहा था, तो रास्ते में इसको एक लड़के ने रोका, जिसका नाम किरण था। तो उसने इससे लिफ्ट ली, तो आगे फतेहपुर पुल पे जब ये पहुँचे तो आगे दो लड़के और खड़े थे, जिन्होंने इसको रोक के कोई हथियार, कोई नुकीली चीज़ थी, कोई हथियार नुमा कोई चीज़ दिखा के, तो इससे कोई एक मोबाइल फ़ोन लूट लिया एप्पल का, 11,500 रुपये थे, और इसकी चैन छीन ली और इसको उन्होंने उठा के नहर में फेंक दिया। तो जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया, तो कल हमने इसमें दो आदमियों को गिरफ्तार किया है। एक सलाम नाम का आदमी है और एक शुभम है। मोबाइल फ़ोन और चैन को बरामद कर लिया है। बाकी एक लड़का अभी किरण जो है वो फरार है, बाकी उसके आने के बाद बाकी लोग। ये धारा इसमें लूट की धाराएँ लगाई गई हैं, 392, 394 और 307 भी हमने इसमें लगाई है, क्योंकि इसने मतलब इन लोगों ने इसको उठा के नहर में फेंक दिया था, जिससे मर भी सकता था, वो तैरना ना जानता तो उसकी मौत भी हो सकती है। फिलहाल पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, अब उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा तीसरे आरोपी की तलाश में भी छापेमारी जारी है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।